जी, अभी हमने जब 3 लोगों की धरपकड़ की, उसके बाद हमने उनको कोर्ट में रजू किया है, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, और साथ साथ हमने कलम उमेरा की भी रिपोर्ट दी है। कलम जो हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो हैं 201, जिसमें एविडेंस का नाश किया गया है, 292, जिसमें जो विविध वीडियो है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मीडिया को भेजा गया है उसके कारण, साथ साथ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट सेक्शन 5। तो 201 लगाने का कारण ये है कि इन्होंने जो स्पाई कैमरा डिस्ट्रॉय किया निशा ऑटो मोबाइल पे, वो साथ साथ इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं जो इनके हिसाब किताब थे कुछ, हमें जो वहाँ से काफ़ी सारे एविडेंसेस भी थोड़े बहुत रिकवर हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो लखान थे, कुछ मैप था ये रिकवर हुआ है, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रिकवर हुए हैं जो हमें शक है कि हमें प्रूव करने में मदद कर सकते हैं कि ये स्पाई कैमरा के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे। साथ ही साथ वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय किया उसके पास में एक CCTV कैमरा भी था, उसकी फुटेज भी अवेलेबल है, हम उसको जल्द ही अपने कब्जे में कायदेसर कार्रवाई करके अपने कब्जे में लेंगे, जिसमें वो दिखाई देते हैं कि डिस्ट्रॉय करके उन्होंने वहाँ पे फेंका है। इसके बाद उन्होंने जो हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क जिसमें स्पाई कैमरा लगाने के बाद जो वीडियोस एक्सट्रैक्ट किए गए, निकाले गए, वो JD पटेल के PC में निकाले गए, उसको RAC केतकी व्यास के को दिखाने के लिए, उनकी अप्रूवल लेने के लिए उनके जो PA हैं गौतम, उनके PC में भी 1-2 फाइल्स कॉपी की गई थी। साथ ही साथ जो लेटर था, लेटर का जो प्रिंटआउट निकाला गया था वो गौतम के PC से निकाला गया था। ये सारे डिजिटल एविडेंसेस को नाश करने के लिए ये PCs की जो हार्ड ड्राइव थी ये निकाली गई वहाँ से, उनको भी तोड़ा गया, उनको भी जलाया गया, और उनको संदेसर के पास एक कैनाल है वहाँ पर फेंका गया, वो हार्ड ड्राइव्स भी हमने रिकवर कर ली। इसके साथ साथ इन्होंने उस हार्ड ड्राइव को रिप्लेस किया, उन्होंने जहाँ से खरीदी, जो सीरियल नंबर से खरीदी और जिसके मदद से लगाई और निकाली, वो लोग सब आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके निवेदन ले लिए गए हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए गए हैं। स्पाई कैमरा जो लिया था अमेज़ॉन से, 2 स्पाई कैमरा का ऑर्डर किया था, एक उनके जो कलीग की मदद से ऑर्डर किया गया था, जो इस बारे में उसको खबर नहीं थी कि भाई कौन सा गुनाह हो रहा है, क्या किस काम में उसको यूज़ करने वाला है स्पाई कैमरा को। साथ साथ एक अहमदाबाद में एक कंपनी है ऑब्जर्वर टेक्नोलॉजीज नाम से, उनके पास से भी उन्होंने ये कैमरा ऑर्डर किया था। ये कैमरा जो अमेज़ॉन का पेमेंट था वो ऑनलाइन डिजिटली किया गया है, जो JD पटेल के खुद के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है, और रिसीव भी इसको कलेक्टर कचहरी में ही किया गया है, ज़मीन शाखा जहाँ पे JD पटेल खुद एम्प्लॉयड थे, नौकरी कर रहे थे, फर्ज बजा रहे थे। और जो उन्होंने अहमदाबाद की कंपनी से जो ऑर्डर किया था वो उसका रिसीवर हरीश चावड़ा था। इसके बाद ये पूरे प्रकरण में हमने कलेक्टर श्री दिलीप गढ़वी का भी निवेदन लिया है, उन्होंने खुलासा किया है इस पूरे प्रकरण में कि जो केतकी व्यास और JD पटेल उनके पास आए, उन्होंने उनको उनके चेम्बर में ये वीडियो दिखाई, वीडियो दिखाने के बाद केतकी व्यास ने वो पेन ड्राइव जो JD पटेल के लैपटॉप में थी उसको निकाल के उन्होंने कलेक्टर को दिया है, और कलेक्टर को बोला, उसके बाद ब्लैकमेल किया कि जो भी फाइल्स हैं वो समय सर क्लियर हमारी हो जानी चाहिए बिना किसी रुकावट के। इस डिमांड को दिलीप गढ़वी कलेक्टर साहब ने ग्रहा नहीं रखा, और इसके कारण ये जो वीडियोस थी अल्टीमेटली मीडिया में लीक की गई। ये पूरे प्रकरण में हमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं, काफ़ी डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, और हमें पूरी आशा है कि ये हम कोर्ट के सामने रखेंगे तो वो भी कन्विंस होंगे कि जो पूरा गुनाह है ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी, और हमारी तपास काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ है। पेन ड्राइव कलेक्टर गढ़वी साहब को जो दी गई थी वो ओरिजिनल पेन ड्राइव है, जो एक्चुअली में जिसमें ओरिजिनल फाइल्स हैं, और वही पेन ड्राइव है जो उन्होंने जिस शॉप से ख़रीदा है, जो हमने अपने रिकॉर्ड्स में दिखाया, वही पेन ड्राइव है। तो ये पूरा प्रकरण एक जो कड़ी होती है वो बना हुआ है, और जो टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं बहुत साउंड होते हैं, उसमें कोई भी टैम्परिंग अगर की जाए तो आराम से प्रोसिक्यूशन या डिफेंस उसको ढूंढ सकता है। साथ ही साथ
हरीश चावड़ा के निवेदन में, हरीश चावड़ा की जो गाड़ी थी उसमें उन्होंने बताया कि जयेश पटेल के का सामान एक बैग उनकी गाड़ी में पड़ा है, और उनकी गाड़ी की छानबीन के बाद उस बैग में हमें 2 लैपटॉप, कपड़े और एक पैसा गिनने की मशीन जो होती है, कैश गिनने की जो मशीन होती है, वो हमने वहाँ से सीज़ की है। अभी तक इन लैपटॉप में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिला है, सॉरी, जो फाइल क्लियर करने के लिए वो फिंगरप्रिंट स्कैनर काम आता था। जो उनके मुताबिक ये लैपटॉप और वो फिंगरप्रिंट स्कैनर को वो कलेक्टर साहब के यहाँ पर देर रात कभी काम पड़ता था, फाइल क्लियर करनी होती थी देर रात, तब उनके घर पर जाके ये फिंगरप्रिंट स्कैनर और कंप्यूटर का उपयोग होता था। इन लैपटॉप का उपयोग हुआ है कि नहीं, ये अभी तक हम साबित नहीं कर पाए, एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। हम इसको फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे और देखेंगे कि इनका उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इसको अभी हमने गुनाह के काम से, ये सारा मुद्दा माल, अन्य मुद्दा माल है जो हमने सीज़ किया है। टोटल हमें 5 क्लिप मिली, जिसमें 2 महिलाएं हैं, और जो क्लिप हैं उसके कंटेंट्स तपास के मुद्दे हैं, हम इसको अभी अपने तक ही रख रहे हैं। लेकिन आपने उसमें से एक क्लिप देख रखी है जो सबसे महत्वपूर्ण क्लिप हुई है। जी, 2 महिलाएँ की, 2 महिलाएँ की शिनाख्त हो चुकी है, कहाँ की थी, कैसे आती थी? जी, जो एक महिला है जिनके का जो जिनकी शिनाख्त हुई है तपास में, वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में उनको एक सेक्स वर्कर की तरह यूज़ किया गया था, इसलिए उनका नाम डिस्क्लोज भी नहीं किया गया, हमने तपास में भी उनका नाम गुप्त रखा है। और बाकी महिला का इस केस से अभी तक कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि भाई उनको भी निवेदन लेने की ज़रूरत है, तो उनकी भी शिनाख्त करके उनको भी बुलाया जाए।